एंड एथिक्स में मैनी पीपल आस्क बुक कौन सी पढ़नी चाहिए एथिक्स की बुक एज सच कोई है नहीं एंड कुछ लोग ये लेक्सिकन वगैरह पढ़ते हैं आई ट्राइड दैट बट आई फाउंड इट नॉट रिलिवेंट टू दी कंटेम्प्रेरी लेवल ऑफ क्वेश्चन विच आर बींग आज इन एग्जामिनेशन सो आई ट्राई टू बिल्ड स्टैंडर्ड जो की वर्ड्स हैं सिलेबस के अंदर उनके ऊपर छोटा छोटा राइटअप लाइक एथिक्स क्या है वॉट डज एथिक्स मीन्स टू यू अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ट गाइड अबाउट कंडक्ट बिहेवियर चॉइज एंड एक्शंस ऑफ सिटीजन्स दैट्स ऑल्व मुझे सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए बाकी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं उस क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से उसको एड्रेस करूंगी मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एथिक्स का मतलब क्या है सो आई ट्राई टू राइट ओनली टू लाइन्स और थ्री लाइन्स अबाउट अ पर्टिकुलर की वर्ड जो कि एथिक्स के पेपर के सिलेबस में दिया हुआ है इसके साथ ही अब एक क्वेश्चन आता है कि पी वाई क्यूस के अंदर आप ढूंढो कि क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं तो एक मेरे पास क्वेश्चन मैंने देखा था पी में कि मोरालिटी और एथिक्स को कंपेयर किया हुआ था उन्होंने और उन्होंने पूछा हुआ था कि एथिक्स और मॉरालिटी में क्या डिफरेंस है सो आई सिंपली गूगल्ड कि एथिक्स और मॉरलिटी का डिफरेंस क्या है एथिक्स इज़ मोर कलेक्टिव एंड मोरलिटी इज़ मोर इंडिविजुअल सिंपल कॉन्सेप्ट समझा मैंने कि मॉरलिटी एक इंडिविजुअल का अपना वैल्यू सिस्टम है एंड एथिक्स वो है जो आपको सोसाइटी सिखा रही है सो so एक कॉन्सेप्ट मैंने बिल्ड करा और उसको मैंने थोड़ा सा टेबलर फॉर्म में लिख लिया कि अगर मुझसे कहीं भी पूछा जाए एथिक्स और मोरलिटी में क्या डिफरेंस है तो बस मुझे ये बात याद रहनी चाहिए कि दिस इज अ कलेक्टिव कॉन्सेप्ट दिस इज अ पर्सनल वैल्यू अगर एथिक्स के अंदर कोई चीज सही या गलत है हो सकता है वो आपकी मोरालिटी के हिसाब से सही या गलत ना हो बिकॉज वो एक इंडिविजुअल वैल्यू है नेक्स्ट आई हैव है वैल्यूज को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो तो इसका एक छोटा सा मैंने डेफिनेशन बना लिया इसका एक कोटेशन मैंने लिख दिया वैल्यूज आर लाइक एन एंकर इन ए शिप When storm comes, the ship is not swept away, but remains anchored to the shore. Values उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा I will begin my intro with that. And ये सब मैंने बनाया कैसे है I tried to use topper copies. टॉपर कॉपीज के अंदर कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जिनका इंट्रोडक्शन होता है या इनके बीच में ये कोटेशन यूज़ की होती है देर आर certain toppers टॉपर्स लाइक like श्रुति शर्मा मैम उन्होंने अपने टॉपर्स नोट्स पूरे के पूरे टेलीग्राम पे डाल रखे थे सो आई ट्राई टू यूज़ सम एलिमेंट्स ऑफ हर नोट्स इन टू माई नोट्स मतलब पूरा एग्जैक्ट नोट्स यूज करने की बजाय मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप हर डॉक्यूमेंट uh, से कुछ कुछ पार्ट लेते हो दैट ब्रिंग्स मोर ओरिजिनलिटी ओरिजिनलिटी भी नहीं कह सकते कह सकते दैट ब्रिंग्स मोर डाइवर्सिटी इन टू योर आंसर्स और इसमें आपको अपना माइंड भी लगाना है कि आप इतना ज़्यादा मटेरियल भी ना कलेक्ट कर लो कि आप रिवाइज ना कर पाओ सो आई ट्राई टू एड सर्टन एलिमेंट्स लाइक मुझे कहीं पे कुछ दिख गया सो आई राइट इट ऑन दी लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन नोट्स मतलब एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने आज बनाया तो वो हमेशा सेम ही रहेंगे इसमें मैंने ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आई ट्राई टू राइट इट लेटर ऑन कि जंपिंग अ रेड लाइट तो इसको मैं कनेक्ट कर सकती हूँ मुझे कभी वैल्यू सिस्टम के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा कि किसी की वैल्यू है कि वो अगर लेट हो रहा है तो वो दे विल जंप रेड लाइट पर किसी की वैल्यू नहीं है सो so, एक वैल्यू का एक एग्जाम्पल मैंने ऐसे छोटा सा करके लिख लिया चीटिंग इन एग्जाम मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिख दिया कि मुझे सिर्फ वो बात माइंड में क्लिक कर जाए कि ये ऐसे लिखा जा सकता है एक छोटा सा फ्रेमवर्क बना लिया फ्लो चार्ट में भी आई ट्राई टू यूज की बिल्कुल बेसिक वाला फ्लो चार्ट अपने पास छोटा सा बना के रखूं कि वैल्यूज बिल्ड कैरेक्टर एंड कैरेक्टर्स लीड टू मॉरल डेवलपमेंट विच फाइनली टर्न इन टू दी कॉन्शियस ऑफ ए पर्सन एंड इसमें भी वही छोटा छोटा एग्जाम्पल मुझे कभी कुछ याद आता तो आई आई स्क्रिबल इट अलॉन्ग विद माई नोट्स लाइक इफ यू सम हैज फाउंड फाउंडे हंड्रेड रुपी नोट ऑन अ रोड दैन उसका कॉन्शियंस उसको समझाएगा कि आई वट आई हैव टू डू मतलब वो एक ऐसी चीज़ है जो उसको इंटिवली पता चलेगी सो आई ट्राई टू राइट ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देर ये एक और मैंने लिखा था कि किड इम्बाइव द थिंग इन द पर्सनैलिटी दैट द पेरेंट्स टू सो ये वैल्यू सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया कि वैल्यू सिस्टम जो है वो हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं